हे गाइज, कैसे हो आप लोग? सो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस टाइप से गाइज फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। देख सो गाइज, मैंने किस तरह से बैकग्राउंड को चेंज कर दिया है, एंड गाइज फेस को भी गोरा कर दिया है, एंड गाइज मैंने शर्ट का भी कलर चेंज किया है। और स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस टाइप से एडिटिंग करना बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एंड गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसे कि हम आगे मोबाइल को होम स्क्रीन पे, तो सबसे पहले स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, क्योंकि ये एडिटिंग स्नैपचैट एप्लीकेशन में होने वाले हैं। तो सिंपली आपको सिंपली प्लस पे क्लिक करके जैसे गाइज बहुत सारा फोटो दिख जाएगा, तो सिंपली आप जो फोटो एडिट करना चाहते होंगे उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम कर लेते सेलेक्ट फोटो अपना। तो जैसा गाइज हमारा ये फोटो था, इस फोटो को हमें एडिट करना है, बैकग्राउंड को चेंज करना है, एंड गाइज टी शर्ट का कलर चेंज करना है, शर्ट का सॉरी। तो सिंपली आपको सबसे पहले टूल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद गाइज नीचे की ओर आइएगा, तो आपको यहाँ पर डबल एक्सपोजर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से एक फोटो ऐड करना होगा, तो ऐड करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना होगा, एंड फिर से गाइज आपको गैलरी के फोटो खुल जाएंगे। तो जो भी गाइज बैकग्राउंड आप लगाना चाहते होंगे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से गाइज एडजस्ट कर लीजिएगा फोटो को अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड को इस तरह से पकड़ के एडजस्ट कर लेना होगा। एडजस्ट करने के बाद गाइज इसकी ऑब्जेक्टिव को फुल कर दीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके, तो क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से इस तरह से गाइज ऑब्जेक्टिव को फुल कर दीजिएगा। तो बैकग्राउंड का ऑब्जेक्टिव फुल करने के बाद यहाँ से कर देना होगा डन एक बार, तो कर लेते हैं यहाँ से एक बार डन। डन करने के बाद गाइज हमें रिमूव करना होगा बैकग्राउंड को, तो सिंपली आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन पे, एंड इसका व्यू एडिट्स पे क्लिक करना होगा। तो व्यू एडिट्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना होगा, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करना होगा, तो कर लीजिएगा यहाँ से ब्रश सेलेक्ट। तो ब्रश सेलेक्ट करने के बाद गाइज जैसा कि बैकग्राउंड में हमारा ये बैकग्राउंड चाहिए, तो सिंपली आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके गाइज इसको 100 कर देना होगा। 100 करने के बाद इस तरह से गाइज बैकग्राउंड में आपको इस तरह से रीअप्लाई करना होगा, रिस्टोर करना होगा। तो इस तरह का बैकग्राउंड में आपको रिस्टोर करना होगा, तो आपका बैकग्राउंड रिस्टोर हो जाएगा। जो भी आप बैकग्राउंड लगाए थे वो बैकग्राउंड आपका रिस्टोर हो जाएगा। तो जी देख सकते हो गाइस हम किस तरह से हम रिस्टोर कर रहे हैं, उसी तरह से गाइस आपको भी कर लेना होगा पहले बैकग्राउंड को रिस्टोर। तो चलिए हम कर लेते फास्ट। सो इस तरह से गाइस आपको भी कर लेना होगा पहले रिस्टोर। तो फोटो को जूम करके कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, बॉडी को नहीं काटना है आपको। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस हमारा बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है, एंड दूसरा बैकग्राउंड मैंने सेट कर दिया है, एंड यहाँ से करेंगे एक बार डन। सो एक ही बार डन करना होगा, एंड यहाँ से गाइस एक बार बैक जाना होगा। तो डन करने के बाद गाइस यहाँ से बैक जाइएगा एक बार, तो देख सकते हो गाइस हमारा फाइनली बैकग्राउंड चेंज हुआ है। तो बैकग्राउंड चेंज होने के बाद गाइस यहाँ से फिर से टूल ऑप्शन पे जाएंगे, एंड गाइस इसको बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसको मैच करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ से ऊपर में ट्यून इमेज का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस ट्यून इमेज पर क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ से गाइस थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाइएगा, कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा, एंड यहाँ से गाइस एनिमेशन को हल्का सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा, एनिमेशन को हल्का सा माइनस कर दीजिएगा, एंड यहाँ से हाईलाइट को हल्का सा माइनस कर दीजिएगा, शैडो को भी हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। इससे क्या होगा गाइज, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मैच करने लगेगा आपका फेस एंड बॉडी। तो देख सकते हो गाइज हमारा बिफोर एंड आफ्टर किस तरह से हो चुका है बैकग्राउंड चेंज। इतना करने के बाद गाइज हमें शर्ट का कलर चेंज करना होगा, सिंपली आपको टूल ऑप्शन पर जाना होगा, एंड फिर से गाइज उसी वाला डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना होगा, डबल एक्सपोजर पर जाना होगा, एंड यहाँ से गाइज ग्रीन एक इफेक्ट लेना होगा, ग्रीन बैकग्राउंड लेना होगा, एंड जो भी कलर का आप करना चाहते होंगे गाइज तो उस कलर का आप बैकग्राउंड ले लीजिएगा। तो चलिए हम ग्रीन कलर का सेट करना चाहते हैं, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिए हैं, एंड इस तरह से गाइस जहाँ जितना पर मेरा ग्रीन कलर है एंड जितना पर मेरा शर्ट है उस तरह से गाइस सेलेक्ट करके यहाँ पे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से गाइस बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, डार्केन, लाइटन, डिफॉल्ट एंड सबट्रैक्ट, बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा गाइस, जो जिस भी ऑप्शन पर आपका अच्छा सेट हो जाए, जिस पर आपका अच्छा लाइट आए ग्रीन कलर का उस पर आपको अच्छा से सेट कर लेना होगा। तो देख सकते हो गाइस हमारा यहाँ पे डार्केन पे अच्छा आ रहा है ग्रीन कलर का इफेक्ट, तो डार्केन पे रखेंगे, एंड यहाँ से इसकी ऑप्सिटी को हल्का सा कम बेसी करके देख लेंगे, तो ऑप्सिटी को हम हल्का सा कम कर देंगे, तो इतना रखेंगे, एंड यहाँ से कर देंगे डन। सो एक बार डन करेंगे, डन करने के बाद गाइस फिर से गाइस सेम वही काम करना है, फर्स्ट वाला ऊपर में टूल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फर्स्ट वाला टूल पर, एंड यहाँ से गाइस व्यू एडिट पर जाना होगा, तो व्यू एडिट पर क्लिक करना होगा, एंड फिर से गाइस डबल एक्सपोजर पर क्लिक करना होगा इस ग्रीन ब्लू वाला ऑप्शन पे, एंड यहाँ से फिर से एक ब्रश सेलेक्ट करना होगा, तो ब्रश सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद गाइस देख सकते हो सब गायब हो चुका है। तो रिस्टोर करने के लिए सिंपली आपको इस वाले ब्रश को आपको 100 कर देना होगा, जीरो सॉरी गाइज 100 कर देना होगा, जीरो होगा तो, एंड इस तरह से गाइज अपने शर्ट पे रिस्टोर कर देना होगा। तो इस तरह से गाइज फास्ट कर लीजिएगा अपने शर्ट पे रिस्टोर। तो चलिए हम कर लेते फास्ट इस तरह से। तो गाइज शर्ट का कलर जो भी आप लगाना चाहते होंगे गाइज, अपने बैकग्राउंड में जो भी आपका शर्ट का होगा इफेक्ट वगैरह वो आप सेलेक्ट करके इस तरह से गाइज सेलेक्ट करके लगा लीजिएगा। तो हम ग्रीन कलर लगाते हैं, इससे हमारा बैकग्राउंड से मैच करेंगे। तो यहाँ से गाइज डन करेंगे, डन करने के बाद बैठ जाएंगे एक बार, बैक जाने के बाद गाइज देख सकते हो हमारा बिफोर एंड आफ्टर किस तरह से गाइज शर्ट का कलर एंड बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। तो सॉरी गाइज हमारा लाइट चला गया था इसलिए हमारा ये हो गया है। तो यहाँ से गाइज इस एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे जाकर गाइज शेयर ऑप्शन पे जाकर यहाँ से गाइज लाइट रूम ऑप्शन में शेयर कर देंगे इस फोटो को, एंड शेयर करने के बाद गाइज ऊपर से हमें स्क्रॉल करना होगा। तो गाइज यहाँ पे हमें कंप्लीट हो चुका है, तो ऊपर से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे गाइज इंपोर्ट फिनिश का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। एक बार क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट लाइट रूम में आ जाएगा, यहाँ से ऑल फोटो पर क्लिक करना होगा,
क्लिक करने के बाद गाइज अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना होगा। तो दोस्तों गाइज मतलब यहाँ पे गाइज बैकग्राउंड को चेंज किए थे एंड गाइज शॉट का कलर चेंज किए थे स्नैपचैट एप्लीकेशन में एंड यहाँ से गाइज लाइट वाला ऑप्शन पे जाना होगा, लाइट रूम में आकर के एंड यहाँ से गाइज कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा एंड यहाँ से गाइज कलर ऑप्शन पे जाना होगा एंड ऊपर में मिक्स ऑप्शन दिख जाएगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं बाद गाइज कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। सिंपली आपको गाइज ऑरेंज कलर का सैचुरेशन माइनस करके लुमिनेंस को हल्का सा बढ़ा देना होगा एंड ग्रीन कलर का सैचुरेशन बढ़ा करके ह्यू को माइनस एंड प्लस कीजिएगा। देख सकते हो गाइज किस तरह से हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है एंड शॉट का भी कलर चेंज हो रहा है। तो गाइज शॉट का कलर एंड बैकग्राउंड कलर जो आप रखना चाहते होंगे आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो हमें ये ग्रीन ही रखेंगे एंड यहाँ से गाइज यहाँ से ब्लू कलर का भी सैचुरेशन बढ़ा देते हैं एंड ह्यू को माइनस प्लस करके देख लेते हैं ह्यू को। तो गाइज देख सकते हो हम इतना ही कलर एडजस्टिंग रखेंगे, इससे हमारा अच्छा दिख रहा है। तो गाइज जो भी आप अच्छा दिखे जिसके अकॉर्डिंग उस कलर के अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा एंड यहाँ से गाइज कर लीजिएगा डन। सो कलर एडजस्टिंग गाइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो एंड इस गाइज इफेक्ट पे जाकर गाइज क्लैरिटी बढ़ा दीजिएगा, इससे आपके फोटो में क्लैरिटी आ जाएगी। डिटेल ऑप्शन पे जाकर गाइज शार्पनिंग को बढ़ा करके यहाँ से नॉइज रिडक्शन को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा, इससे गाइज आपका फेस स्मूथ हो जाएगा एंड बैकग्राउंड भी स्मूथ हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। यहाँ से ऑप्टिक पे जाकर इन दोनों को अलाउ कर दीजिएगा। तो गाइज यहाँ से गाइज फाइनली लाइट रूम में कंप्लीट हो चुका है। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो गाइज थोड़ा बहुत लाइट इफेक्ट आ चुका है। तो गाइज इस फोटो को हम यहाँ पे शेयर करेंगे पिक्सआर्ट में, क्योंकि गाइज वहाँ पे हम टैटू वगैरह लगाने वाले हैं तो शेयर करेंगे पिक्सआर्ट में। यहाँ से गाइज शेयर कर देते हैं पिक्सआर्ट में इस फोटो को एंड गाइज शेयर करने के बाद गाइज स्टिकर ऑप्शन पे जाएंगे। देख सकते हो गाइज नीचे में स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ऊपर में एक सर्च बार दिखेगा, तो सिंपली आपको सर्च बार पे क्लिक करना होगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ से गाइज टैटू सर्च करते हैं। तो टैटू सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा टैटू देखने को मिलेंगे आपको। तो जो भी आप टैटू लगाना चाहते होंगे अपने बॉडी में वो टैटू आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड इस तरह से गाइज पकड़ के इस तरह से छोटा करके इस तरह से वो जूम करके इस तरह सेट कर लेना होगा एंड इसकी ऑप्शन को हल्का सा कम कर दीजिएगा। तो हल्का सा कम करिएगा तो बहुत ही अच्छा रियलिस्टिक लगने लगेगा अपने बॉडी में एंड यहाँ से कर दीजिएगा डन। सो देख सकते हो गाइज हमारा टैटू भी लेट लग चुका है। तो इतना करने के बाद यहाँ से टूल ऑप्शन पर जाएंगे। टूल ऑप्शन पर जाने के बाद गाइज यहाँ से स्ट्रेच ऑप्शन पर जाएंगे। स्ट्रेच ऑप्शन पर जाने के बाद गाइज हमारा देख सकते हो हेयर कितना छोटा छोटा दिख रहा है। तो हम हेयर को इस तरह से पकड़ेंगे एंड इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हेयर को इसे सिर्फ पकड़ना होगा एंड ड्रॉ करना होगा, नहीं सर आपका फेस खराब हो जाएगा। तो हेयर को आप छोटा होगा आपका हेयर तो इस तरह से गाइज आपको हेयर को पकड़ के इस तरह से बड़ा कर लेना होगा। तो देख सकते हो गाइज हमारा हेयर भी हो चुका है बड़ा। तो इतना करने बाद यहाँ से करेंगे डन। सो देख सकते हो गाइज बिफोर एंड आफ्टर किस तरह से हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। तो गाइज फोटो को सेव करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से गाइज सेव टू पीडीएफ पर क्लिक करके सेव कर लीजिएगा इस फोटो को। सो गाइज उम्मीद करता हूं वीडियो को बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।